हेलो टॉरस, देखिए जब दिल की बात आती है ना तो मुझे पता है सब लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आगे होने क्या वाला है। तो इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले 10 डेज़ में, नेक्स्ट 10 डेज़ में, 1 to 10 जून में क्या होने वाला है। कोई हाँ बोलने वाला है, ना बोलने वाला है, कपल बनने वाले हो आप, इश्यूज होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको सब बताने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून? अरे वाह, ओके। तो टॉरस, हमारे पास तीन कार्ड्स हैं आपके लिए, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे जोडियक साइंस के एनर्जी है, तो हम किसी एक पे स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कप्स भी है, वाटर साइन, हमारे पास स्वॉर्ड्स भी है, एयर साइन, हमारे पास वॉन्ड्स भी है, फायर साइन, तो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपके साइन को छोड़ के हमारे पास सारे साइंस हैं यहाँ पर। तो देखिए 10 ऑफ कप्स हमें बताता है कि किसी तरीके की हैप्पीनेस होने वाली है, हैप्पीनेस हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है। ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में एज सच नेक्स्ट 10 डेज में कुछ नहीं हो रहा है, बस सब खुशी खुशी निकल रहा है, क्योंकि सब नॉर्मल है तो सब खुशी खुशी निकल रहा है। कुछ ना कोई चीज़ ऊपर हो रही है, ना कोई चीज़ नीचे हो रही है, वैसा भी हो सकता है, बट हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, फैमिली है, आप खुश हो इस इंसान के साथ। हो सकता है आप एक फैमिली बनाने वाले हो इस इंसान के संग, आप कोई बेबी वेलकम करने वाले हो इस इंसान के साथ, या हो सकता है आपकी इनसे कोई, कहते हैं ना कि एक पेरेंट से मिलवाने वाली स्टेज आ गई है, तो आप पेरेंट से मिलवा दो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे फैमिली भी बताता है, तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है वो आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा दें नेक्स्ट 10 डेज में, या बात करें अपने पेरेंट्स से आपके बारे में कि यार यार तो नहीं, मतलब मम्मी, जैसे कि ये एक लड़की है मेरी लाइफ में और मैं चाहता हूँ कि ये आप इससे मिलो, तो वो भी वैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। मुझे थोड़ा सा बस आपको ये एक बताना है, यूनिवर्स की तरफ से ये भी एक गाइडेंस है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना थोड़ा सा किसी तरीके का बिट्रेयल भी होता है, बिट्रेयल होता है, थेफ्ट होता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं बिट्रेल की मुझे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो इंसान है आपकी लाइफ में वो आपको धोखा दे देंगे या बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि आपको छोड़ के निकल जाएंगे, नहीं वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पास्ट है ना, मुझे यहाँ पे पास्ट की थोड़ी सी वाइब आ रही है कि आपका पास्ट में शायद आपको धोखा मिला है, धोखा, एक कहते हैं ना कि जैसे आपका जो एक्स पार्टनर था, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो हो सकता है उसने कुछ आपका पैसे से रिलेटेड कोई आपको धोखा दिया हो, या कुछ चोरी चकारी करी हो पैसे से रिलेटेड, घपला करा हो आपके साथ, या नॉर्मल ही कोई चीटिंग करी हो, बिट्रेल हुआ हो, बट मेरे ख्याल से आप पास्ट को लेके ना आगे के बारे में सोच रहे हो, आपने पास्ट को अपना बेंचमार्क बना लिया है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और आप थोड़े डर रहे हो, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्स भी है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स हमको बताता है कि किसी तरीके की बहुत एक्साइटमेंट है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो इस चीज़ को लेके, जो कहते हैं ना एक हैप्पीनेस आने वाली है, आपको फैमिली से मिलवा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो। प्लस हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन भी आने वाली है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स हमको बताता है किसी तरीके का कोई मैसेज आने वाला है, कुछ आपको पता लगने वाली है इन्फॉर्मेशन, डिजिटली भी हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, कोई लेटर भी हो सकता है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ अब हो रही है, कोई आपको एक एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पर ऐसी कोई वाइब नहीं आ रही कि आपके करंट पार्टनर आपको धोखा दें, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा, पुराने पास्ट को बाहर निकाल दीजिए दिमाग से, पास्ट को दिमाग में बेंचमार्क लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप पूछें कि धोखा देने वाले हैं या नहीं, वो मुझे नहीं पता, आपको वाइज रहना है। हमारा काम एज ह्यूमन बीइंग्स क्या है? वाइज रहना, सतर्क रहना,
जैसे वो क्राइम पेट्रोल में नहीं बोलते सतर्क रहें, तो वो हमारा हमारी ड्यूटी वो है कि हम ध्यान रखें, आँख कान खुले रखो, बस हमारे बस में वही है, कंट्रोल में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे में। हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि लव एंड कनेक्शन डेक से क्या है टॉरस के लिए। ओके यूनिवर्स बताएं लव एंड कनेक्शन डेक से टॉरस कैसी एनर्जी है ये आपकी। ओके लव एंड कनेक्शन डेक एनीवे ओके बहुत एक्साइटेड हैं आप कुछ, तो मैं कह रही हूँ ना प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, कोई एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप भी इस चीज़ को लेकर जो भी होने वाली है आपकी लाइफ में। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, ऑनर दाई सेल्फ, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक तो ना आप अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है ना, आप उसको भूल जाते हो जब आप रिलेशनशिप में आते हो, आप बिल्कुल दूसरे के प्यार में रम जाते हो। तो यहाँ पे ना आपको पहले तो अपने इमोशंस जो हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं, उनको एक्नॉलेज करना है। अगर आप अपने ही इमोशन से, अपनी ही फीलिंग से, लेट्स से अगर आप अपने पास से अभी तक मूव ऑन नहीं करे हो, तो एक्नॉलेज करो उस चीज़ को, भागो मत उस चीज़ से, उस चीज़ को एक्नॉलेज करो, ऑनर करो कि मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ या कर पाया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस इंसान के साथ, नए इंसान के साथ शादी करूं या कनेक्शन में आऊं, मुझे पहले अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी और की एनर्जी यहाँ पे रुइन हो। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो इंसान है, या हो सकता है पुराने कनेक्शन से रिलेटेड जवाब कि ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों करा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, तो उस वही मैं बोल रही हूँ। आप बैठे अपने साथ, अपने आप के साथ आप बैठो, क्वेश्चंस पूछो, पूछोगे तो सवाल पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा। जब आप इग्नोर करते रहोगे, अवॉइड करते रहोगे, ये सोच के कि यार साथ अगर मैं अकेला बैठा हूँ, मैंने अपनी ये डिस्कशंस खुद ही से स्टार्ट कर दिए, तो सारी चीज़ें छिड़ जाएंगी, नहीं नहीं मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर तो कोई कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना किसी चीज़ का। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हो कि आगे के रिलेशनशिप्स आपके वैसे ना हो जैसे पहले हुए, तो बैठिए अपने साथ, अपने इमोशंस, अपनी कहते हैं ना कि ये हुआ क्यों मेरे साथ, क्या इसमें किसकी गलती थी, वो जब सवाल पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 में से 3 बारी शायद आपकी भी गलती थी, बट आप वो मान नहीं पा रहे हो, आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सा ट्राई करो, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। देखिए मैं वही चीज़ दोबारा बोलूँगी, लिविंग और सर्वाइविंग में बहुत बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। कई लोग जी रहे होते हैं और कई लोग सिर्फ नॉर्मल दिन निकाल रहे होते हैं अपना, उठते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर दिन काटते हैं फिर सो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो ना अपना ये रिलेशनशिप, जो इंसान आपके पास है वो अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है, वो सारी चीज़ें करने वाला है, बट आप अपने पास में फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पाए हो, आपको ये डाउट्स हो रहे हैं कि कहीं ये चीज़ वैसी ही ना हो जैसा मेरा पास था, तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, आप जी नहीं रहे हो। आपके लिए ये एक रिलेशनशिप आ गया है आपकी लाइफ में, आप बहुत एक्साइटेड हो, बट वो जो स्टक वाली एनर्जी है ना वो अभी भी है। अब देखते हैं कि चार्म्स हमें क्या मैसेज देते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं चार्म्स में क्या है मैसेजेस। दो हैं हमारे पास, एक है मून और एक है कैट। तो देखिए टॉरस, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में। जो मून है, मून बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके जो मूड स्विंग्स हैं, जो टेम्परामेंट है, वो मून प्लैनेट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए मून प्लैनेट बहुत सिग्निफिकेंट है, वैसे ही आपके लिए भी हो सकता है टॉरस। दूसरी चीज़ या तो आपके लिए हो सकता है या फिर आपके जो ये स्पेशल पर्सन है उनके लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें आपको कार्ड में ये मून दिख रहा है जो बना हुआ है ऊपर, अब आपको ये मून दिख रहा है, ये भी वैसा ही मून है, सेम मून है, ठीक है। तो
ये भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन के चार्ट्स में बहुत प्रेवलेंट हो, बहुत सिग्निफिकेंट हो, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो. प्लस मून, जब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो भी हो सकता है. कैट है हमारे पास, तो या तो आपको बहुत टची होना नहीं पसंद है, या आपके पार्टनर को बहुत टची होना नहीं पसंद है. आप में से कोई है जिसको अपनी स्पेस बहुत पसंद है, आप बहुत चिपकते नहीं हो दूसरे के साथ. सो वो वाला एक होता है ना, कई लोगों की लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच होती है, हो सकता है आपकी वो ना हो. देखिए, एक तो है हमारे पास फूल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास जो कार्टून्स में नहीं दिखाते थे, वो जो झाड़ू पे बैठ के उड़ते थे, विच बोलते हैं वैसे तो उनको, बट विच, देखिए हमारे ना मूवीज़ में, बॉलीवुड में, कार्टून्स में ना विच जो चुड़ैल होती है, हिंदी में चुड़ैल ही बोलते हैं उसको, उसको बहुत ही ड्रामेटाइज कर दिया गया है. विच ऐसी होती नहीं है, ठीक है. विच ना ऐसे झाड़ुओं पे उड़ रही होती हैं, ना वो किसी का नुकसान करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो थोड़ा सा अब वो मूवीज़ में बना दिया गया है वैसा परसेप्शन, तो ठीक है. बट फूल है यहाँ पे, पैटर्न है, इनफैक्ट फूल भी नहीं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है. तो देखिए, आप जो आपका पैटर्न है ना, एक पास्ट में रहना, उस पैटर्न से आपको बाहर निकलना है. आप उस पैटर्न में फंसे हुए हो, क्योंकि हमारे पास टेन ऑफ कप्स में भी आप देखो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, अगर आपको दिख रहा है तो. आपको ये पैटर्न तोड़ना है अपना. आपका कोई तो बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न है और आप उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उस पैटर्न में ही फंसे हुए हो. हमारे पास जो ये ब्रूम पे, जो झाड़ू पे बैठी जो औरत है, विच बोल रहे हैं इसको, चलें, इसका ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पर कि जो कहते हैं ना, जैसे वॉन्ड है, ये भी जो ब्रूम है वो एक वॉन्ड की तरह काम कर रही है. यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड भी है, तो कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है. क्योंकि आप जब ब्रूम पे बैठती थी ये विच, तो बहुत ही जल्दी इधर से उधर मैजिक की तरह निकल जाती थी. तो कोई चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं आपकी, बिल्कुल मैजिक की तरह होने वाली हैं. तो थोड़ा सा ना, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, तो आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलेगा, उनको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो जहाँ पर हैं, प्रेजेंट में रहें, चीज़ें इंजॉय करें, चीज़ों का लुत्फ लें. आप पास्ट में ना रहें, क्योंकि आप जब पास्ट में रहोगे ना, आप घबराते रहोगे, तो आप प्रेजेंट की जो मोमेंट है वो चेरिश ही नहीं कर पाओगे, प्रेजेंट मोमेंट्स को. स्कीइंग जो आइस पे करते हैं, हो सकता है ये जो आपके इंसान हैं, इनको ये कोई बर्फ़ वाली जगह से रिलेटेड हो, इनको स्पोर्ट्स पसंद हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद हो, इनको कहते हैं ना थोड़े से एक्सट्रोवर्ट टाइप हैं ये. हो सकता है ये जम्मू कश्मीर से हो सकता है हिमाचल से हो, उत्तराखंड से, कहीं से भी, ये बर्फ़ वाली जगह से हो सकते हैं, कहीं बाहर से भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल. बट इनको स्पोर्ट्स, बर्फ, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है. दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि ये मेरे हाथ में आया है लीफ, देखते हैं अभी इसको. मुझे ये भी लग रहा है कि ये ना बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं ये इंसान. कोई नई चीज़ ट्राई करना, नया हेयर स्टाइल ट्राई करना, नए कपड़े ट्राई करना, नई जगह, नया कजिन, नए होटल, कुछ होता है ना, कई लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करने का, एक्सप्लोर करने का होता है, ये इंसान वैसे हो सकते हैं. अब हमारे पास है एक लीफ. अब लीफ हमें बताता है कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं. तो यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है. आप मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ने की, और आप अपने पैटर्न्स तोड़ के ना एक नए इंसान का रूप ले लोगे. नॉट इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जून, बट प्रॉबेबली थोड़ा सा प्लस माइनस फ्यू डेज, आप एक नए इंसान का रूप ले लोगे. आप भूल जाओगे अपने पास्ट को, और आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हो सकता है आप फर्स्ट 10 days में ना करो, बट थोड़े टाइम में आप ये चीज़ें करो. अपने साथ बैठना, अपने ऊपर वर्क करना, पास को लेट गो करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है टॉरस. तो पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो इस इंसान के साथ, एक कनेक्शन में, एक मैरिज में, एंगेजमेंट में, लिव इन में, जैसा भी,
बट वो चीज़ होने वाली है, फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। सो टॉरस, ये था आपका नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10 June का लव टैरो रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक्स, बाय।